नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HR फार्मिंग पे और मैं आपका भाई विजय जमींदार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो किसान भाइयों, मेरे पास ये आप देख सकते हैं मोनो दवाई उपलब्ध है, मोनो स्टार के नाम से दवाई जो है मैं अभी ले रखी है 1 लीटर में, ये जो मेरे पास अभी उपलब्ध है। ये दवाई आप देख सकते हैं, ये दवाई अलग अलग कंपनियों की अलग अलग नाम से आती है, लेकिन इसके आप फॉर्म देख सकते हैं, ये फॉर्म है मोनोक्रोप्टोफॉस 36SL, ये आप देख भी सकते हैं। ये दवाई है गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, कॉफ़ी, चाय, इसके अलावा जो सभी प्रकार के फल वाले पेड़ हैं, ध्यान से सुनिए, सभी प्रकार के फल वाले पेड़ हैं उसमें दवाई डाल सकते हैं, चीकू, आंवला, आम, या फिर जो कहे आड़ू के पेड़ में भी इस दवाई को आप डाल सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार की फसल, चाहे वे तिलहन फसल हो या जो फूल वाली फसल हो, बेल वाली फसल हो, या गोभी हो, चिकोतरे हो, चप्पल कद्दू हो, इसके अलावा टिंडे हो, कपास हो, बाजरा हो, सभी में इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। ये दवाई जो है आप 40 ग्राम से 50 ग्राम टंकी के ले सकते हैं, जो आपकी 20 लीटर की टंकी होती है उसमें 40 ग्राम से 50 ग्राम टंकी की आप ये ले सकते हैं। ये दवाई का जो है फसल के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, आपकी फसल को किसी भी प्रकार से दवाई खराब नहीं करती है। ये दवाई जो है मच्छर मक्खी को, इसके अलावा गन्ने में जो मच्छर होते हैं उसको, कपास पर जो मच्छर होते हैं उसको खत्म करती है। इसके अलावा गोभी में सुर्रा आता है, जो काला काला सा कीट जो गोभी के पत्तों पर, गोभी की गोब में चलता है और उसको खा जाता है, पेड़ों की गोब को खाकर उसको असा देता है, उसके लिए इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। ये दवाई जो है फसल को कोई नुकसान नहीं करती है। और अगर किसी भाई को इसकी फॉर्म नहीं पता है तो मैं फॉर्म बता देता हूँ, ये मोनोक्रोप्टोफॉस 36SL की फॉर्म में आपको मिल जाएगी। अगर मोनोस्टार के नाम से नहीं मिलती है तो मोनोक्रोप्टोफॉस 36SL के नाम से आपको ये मिल सकती है किसान भाइयों। तो ये आज की इस वीडियो में मैं इस दवाई की जानकारी आप सभी को देना चाहता था कि हर फसल में इस दवाई का प्रयोग आप कर सकते हैं, सुर्रे को बचाने के लिए, मच्छर को बचाने के लिए, मच्छर मक्खी को ख़त्म करने के लिए, जो नींबू के पेड़ पर, आम के पेड़ पर जो मच्छर आ जाते हैं, मक्खी आ जाती है, या हड़की लट आ जाती है, उनको भी ये दवाई ख़त्म कर देती है। ये जो दवाई है, इस दवाई के साथ आप आपकी फसल की ग्रोथ के लिए यूरिया खाद भी मिला सकते हैं। अगर आपकी फसल छोटी है, 25 से 30 या 35 दिन की हो चुकी है, तो आप 50 ग्राम यूरिया इस दवाई के साथ मिला सकते हैं। अदरवाइज आपकी जो फसल है 35 दिन से ऊपर की हो चुकी है तो आप 100 ग्राम यूरिया इस दवाई के साथ मिलाकर घेर सकते हैं आपकी फसल में, चाहे आपकी बेल वाली फसल हो, चाहे गोभी हो, चिकोतरे हो, कुछ भी हो, यूरिया इस दवाई के साथ आप मिला सकते हैं। कोई नेगेटिव प्रभाव इस दवाई से आपकी फसल को नहीं होगा किसान भाइयों, ये आप दवाई देख सकते हैं।